छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले कांग्रेस ने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया है। प्रदेश पार्टी की कमान अब सांसद दीपक बैज को सौंप दी गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को नया अध्यक्ष बनाया गया है और वही दीपक बैज मोहन मरकाम की जगह लेंगे। पार्टी नेतृत्व में अब तक के कार्यों के लिए उनके योगदान की सराहना की गई। तो वही आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने भी दीपक बैज को ट्वीट कर बधाई दी है। अब मोहन मरकाम की जगह दीपक बैज को उनका जो पद है जिलाधिकारी उनका बनाया गया है। वहीं आपको बता दें दीपक बैज अब राजनीतिक सफर का जो नया सदस्य उन्हें बनाया गया है, चुनावी दौर में उनको नया सदस्य बनाया गया है। भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। बैज के बंगले पर बधाई देने के लिए कई अधिकारी और आलाकमान जो है वहां पर पहुंचे हैं। कांग्रेस के आलाकमान आप देख सकते हैं तस्वीरों के भी माध्यम से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन्हें बधाई दी है और इसी बीच भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है। बंगले पर सभी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और अधिकारी वहां पर पहुंचे उन्हें बधाई देने के लिए और वही प्रदेश की कांग्रेस प्रभारी जो है शैलजा के द्वारा भी उन्हें ट्वीट कर बधाई दी गई। तो अब नई कमान जो है बैज संभालने वाले हैं और वही दीपक बैज के द्वारा नई सदस्यता ग्रहण कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उन्हें बधाई दी और इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा भी ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। और वही आपको बता दें कि दीपक बैज जो है अब उनके द्वारा नई कमान संभालते हुए आगामी चुनाव को देखते हुए अब नए स्तर से उनके द्वारा तैयारियां शुरू की जाएगी। कितना विश्वास है आपको दीपक जी के ऊपर? जी मुझे बहुत विश्वास है। बहुत कम उम्र से पढ़ाई करते समय से इस कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष करते हुए कम उम्र में विधायक दो बार बन चुके और फर्स्ट बार सांसद बने उसमें भी जीत हासिल हुआ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतलब बहुत मेहनत करेंगे। बस्तर के लोगों को क्या कहेंगे आप? बस्तर के लोगों को बहुत प्यार मिला। जी बस्तरवासी लोग को मैं यही कहूँगी कि मतलब कि सांसद जी को अध्यक्ष बने तो कार्यकर्ता लोग को मैं यही कहूँगी कि बधाई दूंगी कि जी धन्यवाद देंगे। जी धन्यवाद दूंगी। तो ये उनकी धर्मपत्नी है जिनका कल जन्मदिन भी है और उन्हें जन्मदिन के अवसर पर बड़ा उपहार मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर उनके पति की ताजपोशी हुई है। दीपक बैज को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली और इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एक खुशी के साथ दूसरी खुशी जो है वो उनके जीवन में साथ आई है। तो ये साफ तौर पर उनके चेहरे की चमक भी बता रही कि किस तरह से प्रसन्न और बस्तर के कार्यकर्ताओं को और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी के खास तौर पर धन्यवाद देते हुए भी नजर आते हैं। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, यूनिच न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी में आज जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जो परिवर्तन हुआ है वह इस बात का द्योतक है कि सत्ताधारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में गुटबाजी जो है वो कांग्रेस संगठन में चरम सीमा पर है और आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर जो बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है, यह उस गुटबाजी के चरम सीमा की परिणति है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को संगठन में अपना यशमैन चाहिए। हो सकता है मोहन मरकाम ने इससे मना कर दिया होगा, उनके हिसाब से नहीं चलते होंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने मोहन मरकाम को यशमैन के रूप में ना पा करके दीपक बैज को कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। दीपक बैज जी हमारे सांसद साथी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं। पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मोहन मरकाम जी को पद से हटाया है, ये न केवल मोहन मरकाम जी का अपमान है बल्कि एक आदिवासी बेटे का भी अपमान है। उन्होंने अपने सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया, इसके कारण से उन्हें पद से हटना पड़ा और लगातार मोहन मरकाम जी को कांग्रेस के अंदर अपमानित होना पड़ा। चाहे महंत जी हो या फिर ताम्रध्वज साहू हो, तमाम सीनियर लीडर सत्ता और संगठन
दोनों सभी लोगों से आशीर्वाद लेकर, सभी लोग से तालमेल बिठाकर और सभी लोगों से चर्चा कर सामंजस्य बनाकर चलेंगे। और हमारा रोडमैप रहेगा कि हम 2023 में हम सरकार बनाए, हमारा मेन टारगेट वो है। और निश्चित रूप से सरकार बेहतर काम किए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, तो हमें लगता है ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी सरकार बनाने में। लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है, हम चुनाव को गंभीरता से लेते हुए हम चुनाव लड़ेंगे। और आने वाला समय में हम, बल्कि पिछले 2018 से हम ज़्यादा सीट जीत कर आए और छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा सरकार बनाए, ताकि छत्तीसगढ़ के लिए कम से कम एक बार और काम करने का अवसर मिले हमारी सरकार को, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बेहतर काम कर सके हमारी सरकार। ये हमारा मेन मकसद रहेगा। बस्तर क्षेत्र से सर आप आते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें, मोदी लहर में भी आप जीत कर जो है आते हुए नजर आए थे। रणनीतिक रूप से इस फैसले को अगर देखा जाए तो कांग्रेस की रणनीति किस तरीके से जो है इस फैसले के पीछे जो समझ आ रही है? देखिए, कांग्रेस हमेशा, कांग्रेस पार्टी लगातार रणनीति बनाती आ रही है। हमारी प्रभारी कुमारी शैलजा जी लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके साथ पूरी उनकी टीम है। हमारे तीनों प्रभारी सचिव वो भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ में आ रहे हैं, लगातार बैठकें चल रही है, सत्ता और संगठन की बैठकें चल रही है। तो इस तरह से हम लोग का तो पहला टारगेट रहेगा कि हम छत्तीसगढ़ में 2023 का सरकार बना लें। फिर हम उसके बाद जस्ट 6 महीने के अंदर फिर दोबारा हमारी बड़ी चुनाव फिर होने वाली, देश की चुनाव, उसको भी हमको जीत के आना है, उसको भी जीतना है। पिछले समय हम लोग 11 में से 2 सीट आए थे, इस समय हम प्रयास करेंगे कम से कम 10 सीट से ऊपर जाए। तो ये भी हमारा दोनों टारगेट, 23 और 24 दोनों को टारगेट लेके हम काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का सरकार बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक बैज जी थे INH न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं और 75 पार जो है सीट विधानसभा में जो है जीत कर आएंगे ये भी सीधे तौर पर जो है दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, INH न्यूज दिल्ली। दीपक बैज को आपको बता दें PCC चीफ बनाने के ऐलान के बाद ही पूर्व PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर बैज को बधाई दी और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उधर मरकाम के घर समर्थकों का जुटना शुरू हो गया है और वहीं अमरजीत चावला और अरुण सिसोदिया को समर्थक के साथ मरकाम के बंगले पहुंचे और इस दौरान मरकाम बंगले पर ही मौजूद रहे। निश्चित तौर पे देखिए, हाईकमान के हर फैसले का हम सब कांग्रेसजन स्वागत करते हैं। मैं माननीय मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके 4.25 साल के सफल नेतृत्व में हम कांग्रेस का उनका कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा। सभी विधानसभा के उपचुनाव जीते हमने, सभी नगर निगम में मेयर जीते, 19 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप की उनके नेतृत्व में, यहाँ बहुत शानदार अधिवेशन हुआ उनके नेतृत्व में, हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराने का भी एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके कार्यकाल बहुत ही स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत दूंगा।